हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो इस समय हमें अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित ही रहना है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पनीर टिक्का मसाले की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं पनीर टिक्का मसाला। बनाने के लिए तो सबसे हमें मैरिनेशन के लिए तैयार करते हैं, तो तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 चम्मच दही लिया है। दही हमारा अच्छे से गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपका दही गाढ़ा नहीं है तो आप उसको थोड़ी देर सूती कपड़े में बांध कर रख दें, तो वो हंकट तैयार हो जाएगा, उसको इस्तेमाल में लें। लेकिन दही गाढ़ा ही होना चाहिए। अब ये 4 टी स्पून मैंने दही लिया है, तो इसमें 2 टी स्पून मैं बेसन डालूंगी। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और ये 1/2 चम्मच चाट मसाला, और ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और ये भुना जीरे का पाउडर, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये पनीर टिक्का बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होता है, तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। अब हम 1 टेबल स्पून के करीब सरसों का ऑयल गरम करके इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ऑयल आपको सरसों का ही लेना है, आप रिफाइंड वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि सरसों के तेल का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा मैरिनेट का तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी कलर अच्छा करने के लिए लसमीरी लाल मिर्च डाली है और 1/2 चम्मच नमक डाला है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब इसमें हमने जो बड़े बड़े पीस में पनीर को कट कर लिया है, ये 200 ग्राम करीब पनीर है मेरा, और इसमें हम इसको अच्छे से लपेटेंगे। बेसन और दही के घोल में इसको अच्छे से नमाएंगे, मैरिनेट करेंगे, और सारे पनीर को हम अच्छे से अलट पलट करके इसकी कोटिंग कर लेंगे अच्छे से। अब इसको मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि हम इसमें अभी वेजिटेबल्स को भी मैरिनेट करेंगे, तो फिर वो पनीर बहुत टूटने का डर रहता है, तो इसलिए मैं अलग से करूँगी उनको। तो सबसे पहले पनीर को करके मैंने अलग से निकाल लिया है प्लेट में। क्योंकि पनीर मेरा बहुत ही सॉफ्ट एकदम ताज़ा था, तो इसमें अब ये हम 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च को बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने इस तरह काट लिया है, अब इसको भी हम डाल लेंगे। उनको भी अच्छे से मैरिनेट करेंगे, अच्छे से अलट पलट करके कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से इनको हमने अलट पलट करके कोटिंग कर लिया इसके ऊपर। अब इसको हम डब 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से हम ढककर रख देंगे इनको, जिससे इसमें अच्छे से मसाला अब्जर्व हो जाएगा हमारा। अब एक पैन में ऑयल लेंगे हम 1 टेबल स्पून के करीब। तो हम यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें ग्रेवी के लिए मैंने लिए 1 प्याज ली है, 2 प्याज ली हैं, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। प्याज को हल्का सा हम भून लेंगे, 1-2 मिनट 5 प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे। और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये 2 टमाटर काट के मैंने डाल दिए हैं रफली चॉप करके, और एक हरी मिर्च है और एक अदरक का टुकड़ा है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने थोड़े से 4-5 काजू और 1 से 1.5 टीस्पून करीब ये मेलन सीड्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ खाली काजू भी डाल सकते हैं 10 से 15, तो मैंने इसमें दोनों चीज़ डाली हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच खरबूजे के बीज हैं और 4-5 काजू हैं, इससे हमारे ग्रेवी में अच्छी सी रिचनेस आएगी। आप खाली काजू डालना चाहते हैं तो 8 से 10 काजू भी डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को हम ठंडा होने पर इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे हमारी ग्रेवी को। तो ये देखिए ग्रेवी को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है,
और एक बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। तो अब हम एक ग्रेवी और बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करने रखा है। इसमें हम एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2-3 काली मिर्च और लौंग डाली है। तो ये खड़े का मसाले डाले हैं हमने। आप चाहें तो इन खड़े मसालों को उस ग्रेवी में डाल सकते जो हमने ग्राइंड की थी, लेकिन मैं अभी इसमें डाल रही हूँ दूसरी ग्रेवी में। उसमें एक हरी मिर्च को लंबा काट के डाला है मैंने। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाला और ये एक बारीक, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज डाली हमने, और इसको अच्छे से हम प्याज को भूनेंगे। 2 से 3 मिनट प्याज को अच्छे से भूनना है हमको, अच्छे ट्रांसपेरेंट होने तक। और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। इसको अच्छे से हम भूनेंगे प्याज के साथ मसालों को। 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाले के साथ प्याज को भूनना है। सॉरी, वो पहले मैंने नॉर्मल लाल मिर्च डाली थी, अब बाद में मैंने कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे हमारे ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, बिल्कुल महीन चॉप किया हुआ टमाटर डाला है मैंने। इसको ग्राइंड नहीं किया है मैंने, चॉपर से इसको चॉप किया है बिल्कुल महीन। और उसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसको प्याज और टमाटर इन सबको अच्छे से भूनना है मसाले के साथ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे हमारे मसाले जले नहीं। इस सब्जी को बनाने में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन ये सब्जी बनके बहुत ही टेस्टी होती है, इसलिए आप इसको ज़रूर बनाएं। और इसको जो हमने ग्रेवी पीसी थी उसको भी हम डाल देंगे इसमें। जितनी इस सब्जी को बनाने में मेहनत लगती है, सब्जी उतनी ही टेस्टी बन के रेडी होती है। बाजार या रेस्टोरेंट में अगर खाने जाएँ तो ये पनीर टिक्का मसाला बहुत ही महंगा मिलता है, घर में आप इसे आसानी से इजीली बना सकते हैं थोड़ी मेहनत के साथ। तो ये बचा हुआ ग्रेवी थी, उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने 1000 से इसमें डाल दिया है। अब ग्रेवी को अच्छे से पकाना है हमको, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसको। अब इधर हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ हम एक नॉनस्टिक तवे पर हमने जो मैरिनेट करके पनीर और वेजिटेबल्स रखी है उनको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, सारे पनीर के टुकड़े मैंने इस तरह से ऑयल डालकर अच्छे से और इस तवे पर हम रख देंगे और इनको अलट पलट करके अच्छे से हमको फ्राई करना है। मैं इस तरह तवे पर इनको अलट पलट करके सेक रही हूँ। आप चाहें तो स्टिक में लगाकर इसके प्याज, शिमला मिर्च और पनीर को इस तरह लगाकर भी आप इसको आप बेक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं इनको माइक्रोवेव में, लेकिन मैं तवे पर ही बना रही हूँ क्योंकि हब से इसी के साथ बेकिंग की सुविधा नहीं होती। तो इसको हम पनीर को अलट पलट करके अच्छे से चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो ये पनीर मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। और उसी तवे पर हम ये जो वेजिटेबल्स थी, शिमला मिर्च और प्याज, इसको भी हम भून लेंगे। सब्जियों को भी हम अच्छे से अलट पलट करके अच्छे से भून लेंगे इनको। ये सब्जी भी हमारी भुन चुकी है, इनको भी हम निकाल लेंगे।
तो इधर हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, जो हमने जिसमें मैरिनेट करा था जिस बॉल में वो सब्जी लगा हुआ था उसी को हमने अब उसमें पानी डालकर इसमें डाल दिया है। तो बेसन और दही का घोल था उसी को मैं पानी डालकर हमने ग्रेवी में डाल दिया है। तो ग्रेवी लगभग हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसमें आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाला है हाफ टी स्पून करीब, और इसमें आधा चम्मच टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चीनी डाली है। अब इसमें हम थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डालेंगे, इससे ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी एकदम क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी पनीर से। ये देखिए ग्रेवी को मैंने बहुत पतला नहीं किया है, इसको बहुत पतला नहीं करना है, ग्रेवी को हमारे गाढ़े ही रखना है। अब इसमें ये सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें हल्का सा। तो वेजिटेबल हमने डाल दिए, इसके बाद हम ये पनीर डाल देंगे मैरिनेट किए हुए और फ्राई किए हुए, और अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। हल्का सा पानी और डालकर ये मैंने हल्का सा जो मेरा दही का बर्तन था उसी में थोड़ा सा पानी लेके मैंने डाल दिया है, और ये ऊपर से हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है हाथ से रगड़ के। अब इसको हम दो से पाँच मिनट के लिए ढककर अच्छे से पकाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। सच में गाइस बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के रेडी हुई थी। आप इसे नान के साथ और या पराठे के साथ इसके साथ इंजॉय करें और बनाएं इस रेसिपी को, और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।